Assalamu alaikum. It's indeed a great privilege to have Mrs. Nusrat Nisar, ma'am. She's an educationist. In fact, she's got lots of knowledge. Since you are here, we wholeheartedly welcome you, ma'am. Thank you very much for your time. ma'am, आप यहाँ पर आए हो तो definitely just as educationist, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या NLC का के बारे में आप कुछ अगर बता सकते हैं तो एक बिल्कुल बिल्कुल देखिए सबसे पहली बात जैसे कि आप लोग अभी अभी समी साहब और सोहेल साहब से सुने हैं कि तेलंगाना के एक कॉन्स्टिट्यूशन जो महबूबनगर हैदराबाद एंड रंगारेड्डी अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में देखते हैं तो ऑलमोस्ट 25 लाख ग्रेजुएट्स हमारे पास है सर लेकिन हमारे लिए अफसोस की बात यह है जो फर्स्ट फेज 6 नवंबर को क्लोज हुआ था इस रजिस्ट्रेशन का तब तक ऑलमोस्ट 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे अब इस बार जो दोबारा इसकी वेबसाइट ओपन हुई 1 दिसंबर से तो 14 दिसंबर तक सिर्फ 4 लाख ग्रेजुएट्स इसमें एनरोल करें तो हमारे लिए ये बहुत ही अफसोस की बात है कि अभी हमारे 21 लाख ग्रेजुएट रजिस्ट्रेशन करने में पीछे रह गए तो हमको चाहिए कि सब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें और अपना हर ग्रेजुएट रजिस्ट्रेशन करवाएँ और वोटर बने तो आपका कहना है मैम 25 लाख ग्रेजुएट्स हैं माशाल्लाह तो थोड़ा कुछ अगर आप बता सकते हैं कि उसका प्रोसेस क्या होता है बिल्कुल तो क्योंकि आप एक एजुकेशनिस्ट हैं माशाल्लाह आपका जो मैसेज है डेफिनेटली इट गोज वेरी फास्ट तो आप थोड़ा समझाइए बिल्कुल ये बहुत ही आसान तरीका है आप एक वेबसाइट नीचे दी गई है अगर इस वेबसाइट के थ्रू भी आप जा सकते हैं या तो गूगल पे फॉर्म 18 एमएलसी फॉर्म 18 ओपन करके आप अगर जाएंगे तो आपको एक विंडो ओपन होगा जिसमें बहुत ही सिंपल प्रोसेस के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों का रिक्वायरमेंट पड़ेगा एक तो है आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दूसरा है आपका पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ और तीसरा है आपका वोटर आईडी या आधार कार्ड अगर आप वोटर आईडी नहीं भी हैं तो आप अपना नाम इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं वो कैसा होता है मैम वो आपको आपके फ़ोन में अगर आपकी स्कैन कॉपी है या आपके लैपटॉप में आपका ये डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी है तो ईजिली विद इन 5 मिनट्स यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ एज अ वोटर ये तो बहुत आसान बहुत ही आसान फिर क्या वजह है लोग को देखिए कई ऐसे ग्रेजुएट है जिसको एमएलसी इलेक्शन के बारे में पता ही नहीं और दूसरा इसका एक तरीका ये है इसको हर बार रजिस्टर करवाना पड़ता है तो लोग सोचते हैं कि एक बार करवा दिए जैसे इलेक्शन एज यूजुअल इलेक्शंस में होता है कि एक बार अगर हम अपना नाम एनरोल करवा लेते हैं तो वो रिपीटेडली आ जाता है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है जब भी इलेक्शंस आते हैं तब हर ग्रेजुएट को दोबारा फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है मैम आई मीन माशाल्लाह इट वाज यू नो एज आई टोल्ड यू दैट शी इज एन एजुकेशनिस्ट इन फैक्ट शी हैज गिवन क्रिस्टल क्लियर आइडिया दैट यू नो व्हाट व्हेन हाउ एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑल दोस थिंग्स थैंक यू मैम आप अपना टाइम दिए हैं थैंक यू वेरी मच